आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 21वां अध्याय वचन 1 से 14। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इसराइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इसराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को, जो इसराइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इसलिए उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपये पैसे का कोई झगड़ा नहीं और न हमारा काम है कि किसी इसराइली को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट किया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इसराइल के देश में आगे को न रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अर्मोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र, जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे जो महोलवासी बर्जिले के पुत्र अद्रियल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वा कर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया और उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी। और 7ों एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा न हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था, जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हों की हड्डियां भी इकट्ठी की गई। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली।